हमारे साथ है जितेंद्र, और जितेंद्र के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि जो बहुजनों के ऊपर अत्याचार है वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। जितेंद्र, आप कौन सी जाति से आते हैं वो भी बताएं, और आपके साथ जो परेशानियां जेएनयू में फेस करनी पड़ रही है वो भी बताएं। जैसे मैं डोम जाति से आता हूँ, उड़ीसा से दलित कम्युनिटी से आता हूँ, और अभी यहाँ पे जो जेएनयू में जो केस हुआ है, जैसा हम पिछले एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्चुअली डिमांड है, जो नया हॉस्टल मैनुअल लाया है उसमें बहुत ज़्यादा हॉस्टल का फीस का बढ़ोतरी हुआ है, और ये हॉस्टल फीस अगर लागू होता है तो हम जैसे स्टूडेंट जो है ये कैंपस में आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे जो कुछ भी जो कुछ संख्या में जो भोजन जो स्टूडेंट आया है उसको ही भगाने का ये चक्कर है, और ये बीजेपी सरकार उनको पढ़ने नहीं देना चाहता है। और इसके तहत जैसे हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी जो उड़ीसा पुलिस ने हमारे घर पे जाके पूछताछ किया है मेरे बारे में, और घर वाले को धमकाया है, और ये पूछा है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, घर में कौन कौन है, ये डिटेल पूछा है। तो मैं ये एक्चुअली बहुत ही कंडेमनेबल है, मेरा घर वाले को जाके डराना है बिना नोटिस के, किसी के घर वाले के पास जाके डराना, ये कैसा मतलब नीति है। मतलब ये जो सरकार है बुरी तरह से हम लोगों को डराना चाहता है और दबाना चाहता है। और मेरा जो अभी जैसे मैं एक स्टूडेंट मैं इलेक्शन लड़ा उसके बाद अपने लोगों का हक का बात कर रहा हूँ, तो ये जो सरकार है वो दबा देना चाहता है, और इसको लेके वो पुलिस भी अभी भेज चुका है घर में। तो यही है, मतलब अभी हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। और ये जो पुलिस है, उसके पुलिस से पहले जब मैं इलेक्शन लड़ा तो यही जो उड़ीसा का जो प्रशासन है वो बोला कि हमारे घर जाके विजिट करेगा, लेकिन अब जब हम अधिकार अपना शिक्षा का मांग करते हैं, अपना हक का मांग करते हैं, तभी पुलिस भेज रहा है अपना घर में। और तो ये जो ऐसा कि हमारे लोगों को जो नक्सलाइट बोल के एंटी नेशनल बोल के दबा देना, उनको ख़त्म कर देना, यही है इसका मतलब प्लान है, इन लोगों का यही करना चाहते हैं। आपकी आगामी योजना क्या रहेगी जितेंद्र, वो बताएं। देखिए, आपकी मांगों को नहीं माना जाता, अभी MHRDC से एक बार बात हुआ है, उनका कुछ दिन का मोहलत दिया गया है, उन्होंने दिया है हम लोगों को कि कुछ दिन के बाद हम लोग नोटिस देंगे। अभी देखते हैं, अगर हमारा मांग जो फुलफिल नहीं होता है तो ये आंदोलन जो है पूरा देश भर में होगा, और ये ऑलरेडी एक देश भर में आंदोलन हो रहा है, और ये आंदोलन ये है नहीं कि जेएनयू का अभी रहा है, ये आंदोलन जैसा कि देश भर का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें फी का बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा है, तो देश भर में ये आंदोलन होगा। ये हमारा अगर डिमांड फुलफिल नहीं होता है तो ये जो है देश भर में ये आंदोलन होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।